नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, अगर आपके पास में ओप्पो A3 फ़ोन है या फिर आप कोई भी ओप्पो डिवाइस यूज करते हैं और आप अपने फ़ोन पर चाइल्ड मोड फीचर, ऐप लॉक फीचर का यूज करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप अपने फ़ोन के किसी भी एप्लीकेशन को आसानी से हाइड करने के तरीके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप अपने किसी भी ओप्पो डिवाइस में इस फीचर का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने मोबाइल के किसी भी एप्लीकेशन को किस तरह से आसानी से हाइड कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन फीचर को किस तरह से यूज किया जाए। आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के नीचे की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट टेक्निकल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर हिट करें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कौन सा फ़ोन यूज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं ओप्पो A83 एंड्रॉयड नोगोट 7.1.1 एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहा हूँ। तो इस फ़ोन के ऊपर हम ऐप लॉक फीचर यूज करेंगे। तो ऐप लॉक फीचर यूज करने के लिए आपको इस फ़ोन के सेटिंग ऑप्शन पर जाना है और सेटिंग ऑप्शन पर जाने के बाद में आपको सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको ऐप लॉक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐप लॉक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट विंडो में आपको कई सारी एप्लीकेशन दिखाई देंगी। अभी इन एप्लीकेशन में से आपको जिन एप्लीकेशन के ऊपर मैं ऐप लॉक फीचर को अप्लाई करना है उसके सामने की बटन को इनेबल कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आपको सबसे नीचे में इनेबल इंक्रीशन ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट विंडो में आपको अल्फाबेटिकल डिजिट या फिर पासकोड या फिर पैटर्न के थ्रू में इसे पासवर्ड देकर इसे लॉक कर देना है और सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देके उसे फिल अप कर देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, उसी तरह से आपको प्रोसेस को फॉलो कर देनी है। तो सारी प्रोसेस को प्रॉपरली अप्लाई कर लेने के बाद में अभी ऐप लॉक फीचर वर्क कर रहा कि नहीं चेक करने के लिए, अभी जिन एप्लीकेशन के ऊपर में हमने ऐप लॉक फीचर अप्लाई किया है उन एप्लीकेशन को ओपन करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो में हम हर एक एप्लीकेशन को ओपन करके देख रहे हैं जिसके ऊपर ऐप लॉक फीचर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने ओप्पो A3 फ़ोन पर ऐप लॉक फीचर का यूज कर सकते हैं। इन केस अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर से ऐप लॉक फीचर को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको फिर से सेटिंग में जाकर ऐप लॉक फीचर में जाना है और उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के सामने की बटन को डिसेबल कर लेना है जिससे कि ऐप लॉक फीचर रिमूव हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरह आप अपने ओप्पो A3 फ़ोन पर या किसी भी ओप्पो डिवाइस पर ऐप लॉक फीचर को आसानी से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अभी ओप्पो A3 फ़ोन पर की स्पेस यूज करने के लिए आपको फिर से सेटिंग में जाकर सिक्योरिटी ऑप्शन में जाना है और की स्पेस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें फर्स्ट ऑप्शन में आपको टाइम चूज करना है कि आपको कितना टाइम की स्पेस आपके फ़ोन पर यूज करना है, तो उस हिसाब से आप टाइम जोन सिलेक्ट कर लीजिए जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। अगले सेक्शन में आपको उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है जिसे आप की स्पेस मोड में यूज करना चाहते हैं। तो आप जिन एप्लीकेशन को किड स्पेस मोड में यूज करना चाहते हैं उसके सामने के बटन को इनेबल कर लेनी है। अभी आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे टर्न ऑफ सेल्यूलर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी अगर आप किड्स स्पेस मोड ऑप्शन पर इंटरनेट यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते उस हिसाब से आपको आपके पसंद अनुसार इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको सबसे नीचे में इंटर किड्स स्पेस ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप किड्स स्पेस मोड पर इंटर हो जाओगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो कि
कि स्पेस मोड में एंटर होने से पहले आपको स्क्रीन लॉक पासवर्ड डालने को कहा जाएगा। तो आप अपने पसंद अनुसार कोई भी स्क्रीन लॉक पासवर्ड डाल दीजिए और उसे कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म कर देने के बाद में आप कि स्पेस मोड में एंटर हो जाओगे, जहां आपको वही एप्लीकेशन दिखाई देंगी जो आपने सिलेक्ट की हुई थी। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि वही एप्लीकेशन यहाँ पर अवेलेबल है। अभी किड स्पेस मोड ऑप्शन से बाहर निकलने के लिए आपको नीचे में दिए हुए क्विट किड स्पेस ऑप्शन के ऊपर में क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद में आपको स्क्रीन लॉक पासवर्ड पूछा जाएगा, जो कि हमने अभी भी डाला था। उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है। डाल देने के बाद में आप देखोगे कि आप किड स्पेस मोड से बाहर आ चुके हो। तो इस तरह से आप अपने ओप्पो A3 फ़ोन में किड स्पेस मोड का यूज कर सकते हो। ओप्पो A3 फ़ोन में एप्लीकेशन हाइड करने के लिए कोई भी फीचर कंपनी ने अवेलेबल नहीं करवाया है। इसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड डिवाइस में नया लॉन्चर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि इस डिवाइस में प्रॉपरली वर्क करता है। अभी इस एप्लीकेशन को अपने डिवाइस में डाउनलोड करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है। आपको इस एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक द्वारा डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि अगर आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आपको इस एप्लीकेशन में हाइड ऐप फीचर का यूज करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन का प्राइम वर्जन परचेस करना होगा, जिसके लिए आपको पैसे देने होंगे। इसलिए आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड ना करते हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक द्वारा डाउनलोड करें, जो कि प्राइम वर्जन एप्लीकेशन है।